तो हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार इंटरेस्टिंग लेक्चर में शुरू किया जाए बच्चों आज ये दिन इस चैप्टर का बहुत दिन से ये कर रहे भाई इतना डिटेल में कहीं आपको नहीं मिलेगा रोज लेक्चर हो रहे हैं बड़े प्यार से बड़े आराम से पूरा डिटेल में करवा रहा हूँ मैथ्स वन क्लास इलेवेंथ महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए महाराष्ट्र बोर्ड के हमारे जो प्यारे बच्चे भाई जो सीबीएसई आईसीएसई के कंटेंट तो सभी जगह मिलते हैं महाराष्ट्र बोर्ड का जो कंटेंट है आपको इसी चैनल पर मिलता है वो भी पूरा मैथ्स वन के अंदर जो तीसरा चैप्टर है उस मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री टू को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं 3.4 आज होगा फिनिश उसके बाद बचेगा 3.5 और वो भी है बिल्कुल अलग हटके कांसेप्ट ट्रायंगल से लेके और वो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए इसीलिए 3.5 को बहुत अच्छे से करना है मैं बताऊंगा आप टेंशन नहीं लेना चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और बचे हुए क्वेश्चन 3.4 के सॉल्व करते हैं बट वो सॉल्व करने के पहले आपको बता दू कुछ बच्चे हर बार नए नए बच्चे आ रहे हैं कि भाई आप अगर इलेवेंथ के साथ साथ ट्वेल्थ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो मैं आपको डेली जो है छह से सात बजे और चार से पांच बजे ट्वेल्थ की पढ़ाई करवा रहा हूं भाई टोटली फ्री बैचेस चल रही हैं फ्री में लेक्चर हो रहे हैं एकदम ऐप के ऊपर इंडिया का सबसे पहला जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर बता दू नून ऐप है आप डाउनलोड करके साइन अप कीजिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ये जो पूरे के पूरे लेक्चर है आपको मैं बता दू पूरे फ्री है ओके पूरे फ्री लेक्चर है इस ऐप के ऊपर आप ग्यारहवीं भी सीख सकते हैं बारहवीं भी और सी भी तो अगर आपने कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं की है तो टोटली फ्री में पढ़ाई करने के लिए नून ऐप को डाउनलोड कीजिए अब यहाँ पर मैं तो मैथ पढ़ाता हूँ हमारे बहुत सारे जो मित्र हैं टीचर्स हैं सर हैं टीचर्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं फिजिक्स मुकेश सर बायोलॉजी बालाजी सर हैं सभी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं और ये भी एकदम मस्त मजेदार तरीके से फ्री है हमने कल कुछ क्वेश्चन किए थे मैथ्स के जो फॉर्मूले किए थे जो काफी इंपॉर्टेंट है मैंने बोला था उसको याद रखना भाई जैसे हनुमान चालीसा होती है रोज पढ़ी जाती है वैसे ही ये फॉर्मूले आपको रोज पढ़ने पढ़ते हैं हमेशा याद रखना है ओके तो कौन से वो फॉर्मूले हैं भाई फैक्ट्राइजेशन फॉर्मूले फैक्ट्राइजेशन फॉर्मूले याद रखना है सबसे पहला है साइन सी प्लस साइन डी एक ही काम बार बार करना है ध्यान दो यहां पर साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी ये प्लस है ये माइनस है यही दोनों में फर्क है लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये समझाया था फिर से समझा रहा हूं ओके एकदम ध्यान से देखिए साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी फैक्ट्राइज करना है दोनों के बीच में प्लस है दोनों के बीच में माइनस है और ये हट जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा इसको बोलते हैं फैक्ट्राइजेशन करना कैसे करते हैं सबसे पहले टू चिपका देंगे टू चिपका दिया फिर अगर दोनों साइन है और बीच में प्लस है तो पहले साइन आएगा फिर कौस आएगा याद करते जाओ मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था वापस इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक पेपर पे ये फॉर्मूला लिख लेना है और हर रोज जैसे हम कोई मंत्र का जाप करते हैं इस फॉर्मूले का जाप करना है इस तरह से अपने दिमाग में बिठा लो कि कोई नींद में से भी उठाए ना ये वो ये फॉर्मूला आना चाहिए नींद में भी आना चाहिए इस तरीके से याद कर लो क्योंकि ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते एक बार आपके माइंड में बैठ गया ना फिर आपका कोई सम रॉन्ग नहीं होगा दोनों के बीच में प्लस है तो पहले साइन फिर कॉस आएगा दोनों के बीच में माइनस है तो पहले कॉस फिर साइन आएगा ये जो कौश है वो पहले आ जाएगा जो साइन है वो बाद में आ जाएगा और यहां जो एंगल है बेटा ये हमेशा ही रहता है स्टार्टिंग में और यहां पर हमेशा डी बाई टू ही रहता है तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है सी और डी ये दोनों एंगल है सी और डी तो पहले तो आप ये दो फॉर्मूले हमेशा की तरह याद कर लो जो बोलता हूँ उसको सुनो समझो जिसने मेरी बात को माना है वो कभी पीछे नहीं गया वो आगे ही गया है अब आ जाओ अगर दोनों कॉस है तो क्या होगा एक लड़का पूछता है कि सर दोनों अलग अलग होंगे मैं बोला दोनों अलग होंगे तो फॉर्मूला अप्लाई मत करना दोनों साइन है या दोनों कॉस है तो ही फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई होगा अब उनमें भी ये है कि भाई एक दो कॉस है उसके बीच में प्लस हो सकता है दो कॉस है उसके बीच में माइनस हो सकता है ओके okay, श्री श्रीज बोलता है अपने पांच स्टूडेंट लाने बोला मैं दस लेके आया बहुत अच्छा कन्नड़ा में कौशिक ने लिखा यू आर बेस्ट टीचर क्या बात है क्या बात है लाला एकदम ध्यान से देखो भाई, भाई 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 देखो दो फॉर्मूले हो गए तीसरा फॉर्मूला बता रहा हूं दोनों अगर कॉस होंगे तो क्या करना है देख ले बेटा दोनों कॉस है दोनों के बीच में या तो प्लस होगा या माइनस हुआ अगर प्लस है तो टू लिख के दोनों कॉस ले लेना अगर माइनस है दोनों कॉस है माइनस है तो टू लिख के दोनों साइन ले लेना दोनों साइन ले लेना समझ में आ रहा है इसके दो दो फॉर्मूले रहते हैं बताता बता अब ये दोनों कॉस है बीच में प्लस है तो टू लिख के दोनों कॉस अगर दोनों कॉस के बीच माइनस रहे तो टू लिख के दोनों साइन कर देना समझ गया और यहां पर हमेशा पहले वाले का सी प्लस डी बाई टू होता है यहां दूसरे वाले का सी माइनस डी तो ये तो याद ही हो गया सी प्लस डी बाई टू होता है c minus d by 2 होता है अच्छा यहाँ पर क्या है जब ये माइनस है तो माइनस -2 आएगा अगर आप चाहते नहीं मुझे माइनस अच्छा नहीं लग रहा तो ये माइनस मत लिखो एट दैट टाइम यहाँ पर c minus d को d minus c by 2 करना है तो आप ये फार्मूला यूज करो या ये यूज करो मैं तो बोलूंगा ये मत यूज करो ये यूज करो जब भी cos c minus cos d होता है ये वाला करो 2 sin sin करना पहले में c d 2 आएगा दूसरे में हर एक में सी माइनस आता था, था। लास्ट में सिर्फ डी माइनस तो माइनस का झंझट ही नहीं वो अपने आप माइनस देगा या तो ये करना है तो ये भी करोगे तो चलेगा दोनों सेम है तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है फैक्टराइजेशन फॉर्मूले सर ये तो आपने बताया था वापस क्यों बता रहे हो बेटा ये मैं वापस इसलिए बता रहा हूं यस क्योंकि तो आप भूल गए होंगे ना ये अभी हम अप्लाई करेंगे वी आर गोइंग टू तो अप्लाई दिस फॉर्मूला यस अब ये फॉर्मूला है डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला भाई जो भूलेगा वो झूलेगा जो भूलेगा वो झूलेगा भाई झूलना नहीं है आगे जाना है आगे चल के आपको कभी महसूस नहीं होना चाहिए कि ये मुझे क्यों नहीं आ रहा है ये दुख खत्म काहे नहीं होता भाई तो भाई ऐसा आपको कभी लगना नहीं चाहिए उसके लिए आप बिल्कुल ध्यान दो ये जो फॉर्मूलेज है यस ये जो फॉर्मूलेज है याद रखना यस देखो टू इंटू साइनेसबी उल्टा है वहां जो आंसर था यहां क्वेश्चन हो गया और यहाँ पे कौश पहले आ गया देखो कौश पहले आ गया साइन बाद में आ गया हो गया आगे पीछे हो गया जैसे तुम लोगों को पता ही होगा ना शादी में पहले दुल्हन आगे चलती है दूल्हा पीछे चलता है जब सात फेरे लेते हैं लेकिन कुछ फेरे के बाद जो है दुल्हन पीछे आती है दूल्हा आगे चलता है तो उस तरीके से होता है भाई यहाँ पर देखो साइन ए जो है वो पहले है कौश बाद में है लेकिन सेकेंड में क्या हो गया कौश पहले आ गया साइन बाद में आ गया तो क्या करना पड़ेगा अच्छा यहाँ पर देखो दोनों कौश है दोनों साइन है तो आपको अगर पिछला फॉर्मूला याद है ये वाला फॉर्मूला तो यहां से भी याद रख सकते हैं जैसे कि यहां पर क्या था देखो अगर पहले टू साइन फिर कॉस है पहले टू साइन है ये मत देखो टू साइन कॉस है तो दोनों साइन बीच में प्लस ये याद रखो दोनों साइन बीच में प्लस अगर पहले साइन है फिर कॉस है तो और ये टू होना चाहिए टू साइन कौस है इसका मतलब दोनों साइन है बीच में प्लस याद कर मैं याद करवा रहा हूं पहले कॉस और बाद में साइन है इसका मतलब दोनों साइन है बीच में माइनस अगर टू के साथ दोनों कॉस है मतलब ये दोनों कॉस है बीच में प्लस अगर टू के साथ दोनों साइन है मतलब ये दोनों कॉस है बीच में माइनस मतलब ये क्वेश्चन है तो ये आंसर कैसे याद रखना देखो अभी यहां पर देखो डी फैक्टराइजेशन देख बेटा अब यहां पर देख पहले साइन बाद में कॉस है तो दोनों साइन बीच में प्लस समझ रहा ये प्लस ये 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 दोनों साइन बीच में प्लस पहले कॉस है ये कॉस पहले आ गया साइन बाद में है तो दोनों साइन बीच में माइनस क्यू कॉस पहले लिख दिया इसलिए ठीक है अगर दोनों कॉस है मतलब ये दोनों कॉस और बीच में प्लस है ये प्लस है ये प्लस था तभी दोनों कॉस था क्योंकि अगर दोनों साइन कब आता है टू साइन साइन भी जब दोनों कॉस रहे और बीच में माइनस रहे तब दोनों साइन आ जाता है तो अगर फैक्ट्राइजेशन फॉर्मूला याद है तो ये भी हो गया एकदम ध्यान से देखना सर आपके लिए एक लाइन आपके बिना है यूट्यूब भी खाली आप आए मेरे जिंदगी में तड से हर दिन दिवाली तब से हर दिन दिवाली ओहो क्या बात है क्या बात है तो भाई अगर एक फॉर्मूला याद होता है फैक्ट्राइजेशन तो डिफेक्ट्राइजेशन भी याद हो गया इसको भूलना नहीं है जो भूलेगा वो झूलेगा चल मेरे दोस्त आजा 3.4 के अंदर आगे करते हैं तो दिस इज एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपके स्क्रीन पर भाई कोई इनाम मिलेगा नहीं बट ज्ञान जरूर मिलेगा जो देखेगा वो देखो इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूं एक ही चैप्टर क्यों ये चैप्टर नहीं इस चैप्टर के अंदर जान है जान जैसे अंबुजा सीमेंट का एड देखा होगा ये सीमेंट नहीं इसके अंदर जान है भाई ये जो लेक्चर है इस लेक्चर के अंदर जान है और ये जान इतनी जान है ना अरे वो वाली जान नहीं रहे जिसके पीछे तू पढ़ा है एक्चुअल में ये जो लेक्चर है तुझे इतना काम आएगा कि तुझे आगे चल के स्टैंडर्ड या CET बहुत काम आएगा भाई देख तुझे ये दिया है साइन ट्वेंटी फोर और कॉस्ट थर्टी थ्री के बराबर तो मैं क्या करता हूँ मैंने एल उठा लिया अरे इक्वल के पहले जो है उठा लिया इसको ऐसा सॉल्व करेंगे ऐसा सॉल्व करेंगे कि ये आ जाए बट कैसे आएगा हम बताएंगे ना कैसे आएगा देख बेटे एकदम ध्यान से देख यहां पर क्या करते देख ये साइन और कॉस है पहले साइन बाद में कॉस है पहले साइन बाद में कॉस है तो तुम्हारे पास दो फॉर्मूला है याद रखो कौन से दो फार्मूले हैं यहां पर देखो अगर यहां पर पहले साइन बाद में कॉस हो तो क्या करते हैं साइन प्लस साइन अगर कॉस पहले आ जाए साइन बाद तो में आ तो जाए तो, तो क्या करते हैं साइन साइन बीच में माइनस समझ गए ये जो ए और बी एंगल है ना यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगा इन दोनों को क्या करने का जो पै... बड़ा एंगल होगा पहले रखने का मतलब कहना क्या चाहते हो सर समझने की कोशिश कर लाला तू एक बार समझ लेगा तेरी लाइफ बन जाएगी झिंगा लाला देख ले देख ले कुछ नहीं है भाई इतना सरस है ना तू खुश हो जाएगा मैं ये बोल रहा हूँ कि साइन एटीन और कॉस थर्टी नाइन देखो आगे पीछे चलता है कॉस पहले रहे या साइन बाद में मल्टीप्लाई टू इंटू थ्री करो क्या थ्री इंटू टू करो सिक्स ही आने वाला है बराबर है तो हम क्या करते हैं एटीन 39 थर्टी नाइन थर्टी आ रे भाई तो 39 को मैं पहले तू अठारह में से थर्टी नाइन माइनस करेगा फिर निगेटिव एंगल आएगा ओके समझ रहा है ना मैं क्या बता रहा नहीं समझा तो भी ट्राई कर देख अभी प्लस ये सिक्स कि पंद्रह पंद्रह तो कॉस पंद्रह को पहले लिख कॉस फिफ्टीन डिग्री एंड फिर साइंस सिक्स डिग्री लिख दे समझा क्या ये स्टेप ये याद रखना जब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे ऐसे ही करना है ओके आता पूरे बगा मध्य तुम्हारा इतना टू पाइजे टू टू अगर इसके साथ होता तो लाइफ बन जाती क्या बात है टू होता तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता टू होता तो मैं तेरे साथ घूमने चलता ठीक है आ जा घूमने के लिए आ जा बाबा इधर टू से मल्टीप्लाई कर टू से डिवाइड कर ठीक है इधर भी ले ले टू से मल्टीप्लाई कर कॉस 15 डिग्री साइन सिक्स डिग्री ओके देखा हमने क्या किया बाहर टू से डिवाइड कर दिया अंदर दोनों को टू से मल्टीप्लाई किया दोनों का टू कॉमन आके कट जाएगा खचाक ऊपर जो था वही आ जाएगा लेकिन इसका फायदा क्या सर तू तो हर बार फायदे की बात करता है आज चल फायदा करके देखते हैं बेटा ये वन बाई जो बाहर है तो उसको बाहर ही रख वन बाई जो बाहर है बाहर ही रहने दे अभी देख टू इंटू कॉस इंटू साइन क्या तुम्हें याद है फॉर्मूला याद करना था रे बाबू तू क्या कर रहा है ये देख ये फॉर्मूला था टू इंटू कॉस इंटू साइन ये रहा टू इंटू कॉस इंटू साइन क्या होता है साइन साइन और बीच में माइनस और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है बस ये फॉर्मूला याद रख तो क्या होता है बेटा अजय साइन साइन बीच में माइनस फॉर्मूला याद रखना लिख के रख एक जगह पे तुझसे कुछ गड़बड़ नहीं होगा ओके okay, चल देख बेटा ये टू है तो ये क्या आ जाएगा साइन और साइन और बीच में माइनस समझा दोनों के एंगल में भी कुछ आएगा ना सर आएगा ना वीडियो ये देख ये थर्टी नाइन है ये एटीन इन दोनों को पहले में प्लस करने का डायरेक्ट करते क्या डायरेक्ट बच्चे जैसा मत करो क्या करने का इन दोनों को पहले प्लस करने का थर्टी नाइन और एटीन तो एट और नाइन आठ नौ सत्रह एक आ गया थ्री वन फोर वन फाइव फिफ्टी सेवन आ गया अभी इधर क्या कर रहे हैं तो ये क्या आ गया इन दोनों का फॉर्मूला मैंने कर दिया डायरेक्ट कर दिया बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है चलो तो इन दोनों का भी फॉर्मूला लगा दो ना सर करते ना भाई देखो ये भी वैसा ही है टू इंटू कॉस इंटू साइन 2 cos sin तो इसका क्या तरीका था पहले sin लिखने का फिर इधर और एक sin लिखने का ओके और इसका माइनस देने का माइनस क्यों दिया क्योंकि पहले cos है बाद में sin है तो दोनों sin के बीच में माइनस अगर sin पहले और cos बाद में होता तो यहाँ प्लस आता समझ में आया यस yes. अब क्या करेंगे 15 और 6 को प्लस स्क्वायर 21 21 आहा हा, हा. 15 में से 6 माइनस कर 9 आहा हा हा ये आ गया इन दोनों को क्या करते हैं देखो ये दोनों एंगल को पहले प्लस करते हैं हमेशा पहले ये दोनों एंगल को हम लोग प्लस करते हैं बहुत नाच रहा है बोर्ड हमारा आज एक मिनट बहुत स्मूथ हो गया रुको ये क्या होगा देखो ये 15 है ये 6 है दोनों को प्लस किया तो साइन 21 और ये अब क्या करेंगे दादा ध्यान से देखो देखो ये माइनस साइन ओ लाला ये देख ओ लाला दोनों सेम सेम है एक प्लस माइनस है जीरो हो गया कट गया तो तुझे आंसर क्या मिला बेटा देख हाफ ये क्या है देख साइन फिफ्टी सेवन साइन सत्तावन और वो क्या है माइनस साइन नाइन डिग्री आ गया अब तुझे फिर से फॉर्मूला यूज करना है भूल गया है ना अपने पास इधर फॉर्मूला देख है साइन सी माइनस साइन डी किधर गए ओ लाला ये देख ये साइन सी माइनस साइन डी देख ये साइन सी माइनस साइन डी तो क्या होता है टू इंटू कॉस इंटू साइन टू इंटू कॉस इंटू साइन टू इंटू कॉस इंटू साइन चल इसको अभी आगे कर दे दादा भूलने का नहीं है ये देखो इसको कर दे टू इंटू कॉस इंटू साइन और क्या करेंगे यहां पर करेंगे सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू टू इंटू कॉस इंटू साइन अभी c plus D, 57 plus 9, तो कितना हो जाएगा और अपॉन टू टोल कर बाबा हाफ अच्छा ये टू से टू कट जाएगा इधर ही काट दो खत्म सबके बीच में मल्टीप्लाई तेरा काम खत्म ये क्या आ गया कोस

LHS जो आया वो RHS को सेम आ गया। है। हमने इसके अंदर और दोनों फॉर्मूला सर सर वो वो के एडमिशन के लिए है। जिसका एडमिशन नहीं हुआ है दिनेश सर चैनल पर अभी अभी एक वीडियो रिलीज हुआ होगा कि ग्यारहवीं का एडमिशन फिर से हुआ है जिसका एडमिशन नहीं हुआ वो अब भी करवा सकता है तुम अगर अपने कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं हो वहां से एडमिशन कैंसिल करके फिर से दूसरे कॉलेज में करवा सकते हो बस वहां पर सीट खाली हो अभी वीडियो रिलीज हुआ है दिनेश सर चैनल पे भाई ध्यान भाई भाई से देखो ये चौथा क्वेश्चन हो गया कुछ पूछना है तो पूछ लो चैट में कुछ पूछना है तो यूनिट टेस्ट है सर थोड़ा एक्सरसाइज रिवाइज करा दो ओके okay? रिवाइज क्या करा दो रिकॉर्डेड लेक्चर देख ले सर इन द द्लॉग वीडियो द मैडम सेड दैट शी इज हैप्पी टू मीट सेलिब्रिटी टीचर लाइक यू यस yes, यार सभी लोग वही समझते हैं अभी क्या करूं मैं तो एक छोटा सा टीचर हूं ना तुम्हारा लेकिन सब लोग सेलिब्रिटी टीचर बोलते हैं तो मैं क्या करूं स्कूल में तो पढ़ाया भी नहीं है नहीं पढ़ाएंगे कॉलेज में भी नहीं पढ़ाएंगे ओके हाफ कैसे आया बताओ अनुराग बेटा फॉर्मूले में ये होता है ना सी प्लस डी अपॉन टू होता है बेटा देख तो सी प्लस डी मतलब ये दोनों एंगल प्लस करने का फिफ्टी सेवन और नाइन को प्लस करने का फिफ्टी सेवन प्लस नाइन और अपॉन टू इन दोनों को प्लस किया तो सिक्सटी सिक्स ऐसे आया बेटा समझा आप क्यों आया फॉर्मूले में है ना 2 टू उससे आया यस ठीक है यस अभी देखो मैं तुम लोग को आइडिया बताता हूँ बेटा कि आइडिया क्या बताना है शेड्यूल बता रहा हूँ महाराष्ट्र सरकार ने एक सर्कुलर रिलीज किया है पहली नवंबर से बीस नवंबर तक दिवाली हॉलीडे है सभी को महाराष्ट्र में

जितना भी है ना सब में ट्रिगो आना चाहिए ये सब फॉर्मूले आना चाहिए तो भाई भाई देख लो देखो बेटा अब ये पांचवा क्वेश्चन ये बोलता है प्रूफ करो प्रूफ करो सिद्ध करो ये इक्वल के पहले एल एच है इक्वल के बाद में एक वैल्यू दी है बेटा वन अपॉन आना चाहिए तुम कुछ भी करो आंसर लाओ एक एक बटे सोलह एक छेद पाहिजे आपल्याला म्हणजे कसं काय करणार अरे मुलांनो तू भी तो लेफ्ट हैंड साइड गया एलएचएस बोले तो क्या होता है सर इक्वल के पहले जो है उसको एलएचएस बोलते हैं चलो लिख ले दे cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 भाई बच्चा बोलेगा सर उधर इनटू तो है नहीं मल्टीप्लाई है नहीं तो भाई कभी भी दो जन के बीच में कुछ भी नहीं रहे ना तो इनटू रहता है दिमाग में फिट कर ले समझ में आया अभी इसको सोल्व करके वन अपॉइंटीन सिक्सटीन लाना है कैसे आएगा तो सबसे पहले हम क्या करते दिमाग चलाते हैं ये ये देख बेटा को आप टेबल से वैल्यू निकाल सकते हैं क्या तुम्हें याद आ रहा है 60 की वैल्यू होती है वन अपॉइंट टू नहीं याद आ रहा है आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी बोलो तो इसको मैं लिखता हूं देखो कॉस ट्वेंटी होता है वन बाई टू कॉस ए डी अब जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए आरआईपी ये नहीं आ रहा है कॉस 61 वन बाई टू कैसा है तो दसवीं पढ़ा कि नहीं रे कोरोना बेच का है क्या फिर भी पढ़ा तो होगा ना एग्जाम नहीं दिया तो नहीं पढ़ा कोई बात नहीं कोई बात नहीं बता देता हूँ चल ठीक है मैं समझता हूँ कुछ बच्चे डायरेक्ट आ गए हैं देख भाई साइन कॉस टेन ये देख जीरो थर्टी फोर्टी ये कितनी बार मैंने बताया साइन जीरो जीरो वन बाई टू होता है ये वन बाई रूट टू होता है ये बहुत बार मैंने बताया वापस वापस, वापस बताना मतलब एकदम ये है यार फिर ये कॉस क्या करते हैं साइन का उल्टा वन इधर आ गया रूट थ्री बाई टू इधर आ गया ये वन बाई रूट टू है ये वन बाई टू इधर आ गया ये जीरो इधर आ गया चल अब इन दोनों को डिवाइड करेगा तो टैन आएगा अभी मैंने बोला ना कॉस सिक्सटी कॉस और सिक्सटी तो ये कॉस के सामने और ये सिक्सटी के नीचे क्या है देख वन बाई टू समझाना कैसे आया अभी ठीक है समझना जरूरी है जिसको नहीं समझे सब बताऊंगा अरे तू तो टेंशन मत ले मैं तेरे कॉलेज का टीचर नहीं हो ठीक है तो ध्यान दे तेरे को सब बताऊंगा तो ये वन बाई टू आ गया लेकिन सर आगे वन बाई टू को आगे ले लेंगे लेकिन एक काम करते यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमको इसके साथ टू चाहिए क्या चाहिए टू चाहिए तेरी जरूरत है बेटा तू आ जा तू आ गया लेकिन टू खुद से लाया मल्टीप्लाई किया जाए टू से डिवाइड भी करो यानी ऐसे इसका फायदा क्या है सर ठीक है फायदा बताता दो ऐसा करने से ये फॉर्मूला बनता है ना बेटा टू इंटू कॉस इंटू कॉस याद आ रहा है टू इंटू कॉस इंटू कॉस क्या होता है जब दोनों कॉस रहेंगे बीच में प्लस रहेगा नहीं याद आ रहा है जब दोनों कॉस रहेंगे बीच में प्लस रहेगा अभी तुझे बताता हूँ देख टू इंटू कॉस इंटू कॉस ये देख ये फॉर्मूला टू इंटू कॉस इंटू कॉस देख टू इंटू कॉस ये देख ये फॉर्मूला तेरे सामने 2 cos into cos ये भी cos ये भी cos तो दोनों cos आएगा बीच में प्लस अगर 2 sin into sin होता तो दोनों cos आता बीच में माइनस तो अभी हमारा दोनों cos आएगा बीच में क्या आएगा प्लस चलिए हम लोग कर रहे एकदम ध्यान से देखना लाला ये देख चल आ जा नीचे आ हां चलो ये देखो ये हमारा क्वेश्चन है 2 खुद से ला दिया फॉर्मूले के लिए अब नेक्स्ट स्टेप में ये वन टू ये ये आगे आएगा अरे 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 वाह तू किधर किधर रे 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 के के साथ आ वा, वा। बोले बदले चल अपन दोनों मिल जाते ये वन टू और वन टू की दोस्ती हो जाएगी मैत्री हो जाएगी तो होगा क्या बेटा ये फोर हो जाएगा ठीक है तुम लोग अपना बार बार निपट लो ये बोलेगा अरे हम तो फॉर्मूला बनेगा बोले के बीच में प्लस बोले कैसे रे प्लस आया क्योंकि हम लोग का रहता है दोनों कॉस रहेगा तो बीच में प्लस रहता है दोनों साइन रहते ना तो बीच में माइनस आता लेकिन उधर ही रुका दे अभी इधर क्या रहता पता है ना ये इसमें ए प्लस बी ये ए होता है बच्चों ये ए... एक्स मिनट ये जो है ना बेटा ये ए होता है और ये बी होता है समझ गए तो इन लोगों को हम क्या करेंगे ए प्लस बी कर देंगे पहले में ए प्लस बी मतलब ट्वेंटी प्लस फर्टी ये सिक्सटी हो जाएगा डायरेक्ट और यहाँ पर क्या करते हैं ए माइनस बी करते हैं ट्वेंटी माइनस 20 ट्वेंटी माइनस फर्टी माइनस ट्वेंटी आ जाएगा इसीलिए मैंने आपको सिखाया ना कि जब भी ऐसे दो बाजू में होते हैं ना जो बड़ा एंगल है उसको पहले रखने का छोटे एंगल को बाद में रखने का समझ तो में आ रहा है तो हम लोग ऊपर भी कर सकते हैं नहीं किया तो ऐसे भी चलेगा नहीं किया तो चलेगा क्योंकि कॉस माइनस को खा जाएगा अगले स्टेप में लेकिन तुम याद रखो कॉस ट्वेंटी कॉस फर्टी है ना मल्टीप्लाई है तो बड़ा एंगल फोर्टी उसको पहले रख देने का छोटे को बाद में मल्टीप्लाई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और इससे क्या है कि माइनस नहीं आएगा एक स्टेप बढ़ेगा नहीं चलो अभी आ गया तो कोई बात नहीं मिटाओ मत अभी आ, क्या हो गया देखो हाँ ये वन अपन फोर है अभी ये देखो ये हो गया cos 60 cos 60 देखो यहाँ से 1/2 आया था ये वापस 1/2 आ जाएगा आया फिर ये प्लस है ये cos माइनस को कहा जाएगा cos 20 आ गया बाहर cos 80 इंतजार कर रहा है आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे मुझे लेके जाएंगे रुक रुक अभी आएंगे रुक अभी देखो अंदर जाते हैं आगे बढ़ते हैं बेटा आगे बढ़ते हैं 1/4 बोलेगा मुझे ले लो ये 1/4 जाएगा दोनों में मल्टीप्लाई होगा ये वन बाई फोर बोलेगा मुझे दोनों के पास जाना है कॉस एटी बोलेगा अरे ये तो मेरे करण अर्जुन है मुझे इनके पास जाना है मैं ठीक है इधर से सबके पास जा। cos एटी तो उधर से सबके पास तो होगा क्या वन बाई फोर इन वन बाई टू ये हो जाएगा वन बाई फोर टू जा एट हो गया ठीक है फिर ये कॉस एटी भी इसके पास आया तो ये कॉस एटी हो गया ठीक है अब ये इधर जाएगा प्लस वन बाई फोर इसके पास गया वन बाई फोर हुँ? फिर ये कॉस ट्वेंटी और कॉस्ट एटी है ये दोनों चिपक जाएंगे मैं क्या करता हूँ लिख देता हूँ इसको आगे पीछे क्यों पता है ना क्योंकि ये बड़ा एंगल ये छोटा एंगल छोटा है है बड़े को को पहले लिखो छोटे को बाद में ठीक है? चलो अभी आगे जाते न, हो गया बरोबर है कुछ गलत तो नहीं लग रहा है बरोबर है इतना तो बरोबर है चलो आगे देखते बेटा ध्यान से देखना इसका काम तो हो गया है इसको ऐसे ही रखो ये वन बाई फोर है लेकिन लेकिन इधर तो टू आना चाहिए ना भाई इधर तो टू आना चाहिए तो हम क्या करते हैं ऊपर टू से मल्टीप्लाई कर देते इसमें तो ये जो कॉस एटी था और कॉस ट्वेंटी था जान के इसमें टू से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर टू से डिवाइड भी करो एडजस्ट करने के लिए लेकिन टू से मल्टीप्लाई क्यों किया क्योंकि फॉर्मूला चाहिए था ना बाबा हमको वी नीड फॉर्मूला अभी क्या होगा देखो ये है वन अपन एट ओके फिर ये है कॉस एटी बराबर फिर ये वन अपॉन फोर टू जै एट बरोबर अब ये फॉर्मूला टू इंटू कॉस इंटू कॉस देखो इधर था ना टू इंटू कॉस इंटू कॉस क्या किया था टू इंटू कॉस इंटू कॉस दोनों को कॉस रखा था बीच में प्लस फिर दोनों को प्यार मोहब्बत से प्लस किया था प्यार मोहब्बत से माइनस तो वैसे ही करो इसका क्या आ जाएगा दोनों का कॉस है तो दोनों का कॉस आ जाएगा और प्यार मोहब्बत से प्लस आ जाएगा समझ तो गए फिर इन दोनों को पहले प्लस करो एटी और ट्वेंटी प्लस किया तो हंड्रेड आ गया

ये है वन अपॉइन एट कॉस अस्सी रहने दे इसको ऐसे ही। ये one upon eight बोलेगा मुझे अंदर जाना है जा तू सबके पास ये गया अपॉइन एट ये है शंबर और ये प्लस एट ये बोलेगा मैं इसके पास भी आऊंगा कॉस सिक्सटी समझ गए अभी लेकिन यार देखो ये अस्सी है और ये 100 है क्या मैं इस सौ 100 को चेंज कर सकता हूं तुम बोलेगे हाँ ये शंबर को ऐसे चेंज कर दो क्या करोगे सौ को लिखते हैं एक सौ अस्सी माइनस अस्सी तो भी चलेगा वन एटी में से एटी माइनस हुआ तो सौ आता है ना नहीं समझे वन एटी में से एटी माइनस किए तो सौ आएगा ना समझे यस yes. अभी देखो क्या होगा अब आएगा कमाल अब आएगा कमाल भले पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया लेकिन तुमको मैथ्स में कोई नहीं हरा पाएगा ये मेरा वादा है ओके यहां पर देख ले यहां पर देख ले अभी कॉस वन एटी तुमको मैंने ट्रिगो सिखाया जो मेरा बच्चा है उसको मालूम है कि जब भी पाई माइनस थीटा होवे और इसके पहले अगर कॉस होवे ये पाई हट जाएगा तो कॉस का कॉस रखते याद आ रहा है क्या तुम्हें ये कॉस का हम कॉस ही रखते पाई हटेगा चलेगा चल निकाल थीटा आ जाएगा लेकिन चेक करना पड़ता है पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है याद करो ये पाई है बेटा पाई माइनस थीटा इधर होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल स्टूडेंट टेक चाहवा अभी ये सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है तो पाई माइनस थीटा ये तो cos है तो ये निगेटिव आएगा तो so, पाई को हटाएंगे पाई मतलब 180 हटाया cos का cos थीटा लेकिन माइनस cos थीटा आएगा तो so, दादा इधर भी वैसा ही है 180 को हटाएगा तो so, cos का cos रहेगा ये 80 आ गया 180 हट गया बट माइनस आ जाएगा और प्लस 1/8 कॉस 60 ऊपर बताया था ना 1/2 होता है अरे तू क्या 15 मिनट तो याद रख गजनी ये देख कॉस 60 कॉस के सामने 60 के नीचे 1/2 होता है अभी तो बताया था ये 1/2 होता है सर फायदा क्या है तू खाली फायदे की बात कर इधर आंसर आ गया छोटे ये देख 1/8 कॉस 80 प्लस माइनस माइनस 1/8 कॉस 80 प्लस 1 1 1 8 2 16 आ हा 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 ये ये देखो सेम 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 80, खचा. 80, दोनों सेम 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 माइनस दोनों तो किया सो आ आ आ गया रे, आ गया RHS आ गया रे दादा ये देख LHS RHS. देखा कितने आसान तरीके से आ गया जिसको जिसको ना फॉर्मूला नहीं आएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा मैं जान के बार बार फॉर्मूले दे रहा हूं ये हो गया सेकेंड लास्ट क्वेश्चन अभी ये खत्म हो रहा है ये देख ये ये हो गया देख वन अपॉइंट सिक्सटीन लाना था एक छेद सोलह पाइजे होता अपने ला बगा कसा के अपन बरबर है यस yes, एकदम मजेदार है भाई तुझे फॉर्मूला आने चाहिए जिसको आ गया फॉर्मूला यस जिसको आ गया फॉर्मूला वो कभी भी अपने जगह से नहीं हिला ठीक है चलो लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है अभी तुम बोलेगे कैसे सर तुमको सब एक जैसा लग रहा है अरे था। ये है। अगर तुझे ये इसके पहले वाला आ गया ना पांचवा तो ये भी आ गया बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है।, है ना जल्दी देर को पूरा कोई कराएगा नहीं अपन ने करा दिए भाई यस यस एंड तू अगर ये कर लेगा ना तो भाई ट्रिगो का तू बाप बन जाएगा बोलेगा सर माँ कौन रहेगी भाई तेरी मेहनत तेरी मेहनत देख प्रूफ करना बेटा प्रूफ द फॉलोइंग यस सारे देखो यही सबसे हाइय फैक्टराइजेशन है है, डी फैक्टराइजेशन अभी जैसा मैंने पिछला किया था वैसा ही कर लो ए से देखो ए से पहले लिख ले दादा आखिरी क्वेश्चन है आ गया तो धमा ले आ गया तो धमा ले धोती को फाड़ के कर दे रुमाले लेफ्ट हैंड साइड देख बेटा साइन बीस ट्वेंटी देख साइन फोर्टी साइन yes, बिल्कुल उसी के जैसा है अगर तुझे याद है तो कोई तुझे हरा नहीं सकता देख ले लाना है रुक तेरे को लाएंगे हम लोग रुख लेकिन यहाँ पर तू देखेगा बेटा साइन सिक्सटी तो हमको मालूम है हे, 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 टेबल से अरे भूल गया ये देख टेबल बताया था ये देख साइन सिक्सटी साइन ये देख ये साइन है साइन उसके सामने सिक्सटी क्या है समझा तो एक तो खत्म हुआ अभी देखो ये दोनों को लेते लेकिन ये लोग बोलेगा भाई हम लोग साइन ट्वेंटी फोर्टी है तुम क्या करना बड़ा कौन है दोनों में फोर्टी आगे पीछे कर दो साइन फोर्टी पहले लिख दो साइन बाद में लिख दो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं रे थ्री इंटू फोर और फोर इंटू थ्री रहता है बर बर। तो अभी पर हम लोग ठीक है अभी ये बोलेगा मेरे साथ अगर टू आ जाता ना तो मैं फॉर्मूला बन जाता है ठीक है ऐसा ये ले टू लेकिन वैल्यू तो चेंज हो जाएगी इसके लिए हम टू से मल्टीप्लाई किया ना डिवाइड भी करेंगे तो डिवाइड कर दिया समझ गया चल आगे करते हैं। प्रूफ करना है, लाना है दिमाग में रखे टू इंटू साइन साइन याद है ना टू इंटू साइन साइन कैसे करते हैं जैसे पीछे किया था टू इंटू कॉस कॉस था तो दोनों कोश और बीच में प्लस आता था और टू इंटू साइंस साइन ये कब आएगा दोनों कॉस और बीच में माइनस आएगा अगर तू भूल गया तो आ तुझे फॉर्मूला दिखाता हूँ टू इंटू साइन साइन कब होता है देख फॉर्मूला देख तू भूल गया तो देख इसको याद कर इसको चार्ट बना अपने कमरे में लगा दे वो फोटो को निकाल दो जो हीरोइन का फोटो लगा के रखा है पागल वो हीरोइन का फोटो निकाल ये सब फॉर्मूले का चार्ट लगा समझा टू इंटू साइन इंटू साइन दोनों साइन है तो कस कॉस 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 बीच में माइनस क्योंकि दोनों साइन है अगर दोनों कॉस है तो कस 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 बीच में प्लस दोनों कॉस है दोनों कॉस बीच में प्लस दोनों साइन है दोनों कोस बीच में माइनस तो बस यही एक तरीका है भाई बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है तो टेंशन ना ले ये देख तू खुद से भी कर लेगा अगर तू करना चाहेगा तो अगर तेरी हिम्मत है तू ट्राई कर रहा है तुझे समझ में आया इसके पहले का तू खुद ही कर लेगा मेरे पहले आज चल इसके लिए जगह बनाते और इसको सॉल्व कर करते या आप बोलेगा मैं बाहर ही रुकता हूँ तुम अंदर अपना देख लो भाई बोलो ठीक है तू बाहर रुक इसका हम लोग कोस कोश कोस कोस बीच में माइनस लेके आए ठीक है अभी ये बोलेगा ये कैसे होगा पहले दोनों को प्लस करेंगे 40 प्लस ट्वेंटी सिक्सटी डिग्री ये दोनों को माइनस किया 40 माइनस 20 ट्वेंटी चल ठीक है ऐसे रे अभी देखो ये रूट थ्री बाई टू है अरे तू पहले आना था रे ठीक है उसको अभी आगे ले लेंगे ले ठीक है रूट थ्री अपॉन टू साइन एटी देखो फिर से कैसे हुआ ये ट्वेंटी फोर्टी था मैंने फोर्टी ट्वेंटी आगे पीछे कर दिया 40 और ट्वेंटी को पहले ओ इधर कुछ उल्टा करते थे याद आ रहा है क्या उल्टा करते थे पहले ए माइनस बी करते थे जब साइन साइन लेते हैं ना एक मिनट रुको ये देखो यस 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 चौथे में थोड़ा चेंज है जब साइन साइन करते हैं ना देखो हर बार ए प्लस बी पहले करते हैं और बाद में ए माइनस बी करते हैं याद आ रहा है बट जब साइन साइन होता है ना तो कॉस कॉस लेते हैं जो माइन बट ये जो a b लास्ट में कर रहे हैं ना पहले करते a b a b मतलब दोनों एंगल का माइनस और जो पहले a b कर रहे थे ना लास्ट वाले में a b बाद में करते हो 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 बच गए अब भी रॉन्ग होता था पता है अब भी रॉन्ग होता था मतलब समझे क्या क्या बोल रहा हूं नहीं समझा देख ये देख पहले माइनस करने का 40 20 20 इधर आ गया फिर दोनों को प्लस करने का 40 20 60 इधर आ गया बाद बीच में माइनस है ना भाई निगेटिव हो जाएगा चलो अभी सोल्व दे एकदम सोल्व करते देखो इसको ये रूट थ्री बाई टू तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो वन इंटू रूट थ्री रूट थ्री टू इंटू टू फोर ये इधर ही कर देना चाहिए था एक काम करते इसको ऊपर ही कर देते थोड़ा सा ये रूट थ्री बाई को ना इसमें मल्टीप्लाई कर देते किसको किस में करना मल्टीप्लाई ये वन बाई टू है ये देखो एक मिनट बेटा ये वन बाई टू और ये रूट थ्री बाई टू इसको मल्टीप्लाई करो यहीं पे कर दो ऊपर के स्टेप में तो देखो क्या आएगा इधर वन इंटू रूट थ्री रूट थ्री टू टू जाएगा माइनस आएंगे तो तेरे अर्जुन आएंगे तू ही जा अर्जुन के पास तेरे करण अर्जुन इधर है तू आ और इनके पास जा बोले ठीक है ये बोलेगा मैं क्या करूं तू ही जा सबके पास चलो इन दोनों को सबके पास भेज दो भेज दो इसको भी जा बेटा रूट थ्री बाई फोर गया कॉस्ट ट्वेंटी के पास रूट थ्री बाई फोर कॉस्ट ट्वेंटी तू भी इधर से आ साइन एटी आ गया चलो क्लास फिर ये माइनस है फिर रूट थ्री इसके ये क्या है साइन एटी ठीक है तू इधर ही पढ़े रहे इधर ही पढ़े रहे तेरे को काटेंगे हम लेकिन अभी देखो यहां पर यार कॉस और साइन है टू आना चाहिए ना साथ में तो हम लोग क्या करते हैं ध्यान से देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है एक मिनट रूट थ्री बाई फोर कॉस्ट ट्वेंटी चलो ठीक है कोई बात नहीं ये देखो यहाँ पर क्या करते देखो ये रूट थ्री बाई फोर है बेटा। यहां पर टू लाते। टू। तो टू लाया तो वन बाई टू भी लाने का दोनों कैंसिल हो जाएगा इसलिए एडजस्टमेंट अब यहाँ पर कॉस्ट ट्वेंटी और साइन एटी है दोनों में देखोगे ना तो एटी और ट्वेंटी में एटी बड़ा है तो साइन एटी को पहले लिख देता हूं मैं जान के और कॉस्ट ट्वेंटी को बाद में क्योंकि ये बड़ा है ना उसको पहले लिख दो फिर ये क्या देखो, रूट 3 8 80 है देखो बेटा ठीक है अपने आप अप आ जाएगा टेंशन मत ले अब देख बेटा यहां पर क्या आया रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री इसको हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे याद कर टू इंटू साइन इंटू कॉस कब होता था मुझे याद करना पड़ेगा पहले फॉर्मूला मैंने दिया था ये ऐसे ही रह जाएगा ओके एकदम ध्यान से देख बेटा टू इंटू साइन इंटू कॉस जब होता था जब दोनों साइन लेते थे और दोनों साइन होता था और बीच में प्लस आता था कॉज पहले और साइन बाद में लेंगे तो माइनस लेना पड़ेगा लेकिन सर आपने तो जान के आगे पीछे किया तो चलेगा वही आंसर आएगा नहीं तो क्या होता है ट्वेंटी माइनस एटी करके माइनस सिक्सटी माइनस बाहर आता था फिर ये माइनस हो जाता तो जान बुझ के बड़ा पहले रखे ताकि माइनस का झोल ना रहे अब देखो यहाँ क्या करेंगे एटी और ट्वेंटी को प्लस किया एटी प्लस ट्वेंटी हंड्रेड यह आ गया फिर एटी माइनस ट्वेंटी सिक्सटी ये आ गया समझ गए अब आगे सॉल्व कर दे अब ये देखो ये रूट थ्री बाई एट को अंदर डालो दोनों में जाएगा रूट थ्री बाई एट और ये हो गया साइन शंबर कधी शंबर वन कधी शंबर टू बगा तो मुलामू का है? शंबर, रूट थ्री एट इधर गया रूट थ्री बाई एट साइन सिक्सटी और ये क्या है माइनस रूट थ्री बाई एट साइन एटी अभी देखो पिछले क्वेश्चन सब कैंसिल हो जाएगा अभी देखो यहां पर है ना बेटा यहाँ पर ये तो बड़ा इजी है रूट थ्री बाई एट

ये 180 हटेगा यहाँ पर रूट थ्री है एट है साइन वन एटी पाई पाई हटेगा तो का मतलब पाई हमेशा पाई। तो सेकेंड, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये प्लस ही रहेगा वो आप वो बना के देख लेना यार ये कितना मतलब पंद्रह बीस दिन से यही सिखा रहा हूं फिर यहाँ पर यह प्लस है अच्छा देखो 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 ये वाला देखो ये वाला देखो और ये वाला देखो है ना कमाल की चीज रूट थ्री बाई एट साइन एटी रूट थ्री बाई एट साइन एटी ये माइनस है खचाक, खचाक, कट गया। तो आंसर क्या लाला ये देख रूट थ्री इंटू रूट थ्री ऊपर ऊपर रूट थ्री रूट थ्री थ्री नीचे एट इंटू टू सिक्सटीन अरे आ गया अरे आ गया यही तो लाना था ना बेटा ये देख कौन बोलता कर नहीं पाएगा तुझे तू नहीं करेगा तो और कौन करेगा ये देख एकदम इंटरेस्टिंग लाना था कैसे हमने कर दिया है ना तो ये देखो ये लास्ट के दो सम्स एक जैसे ही थे सो आपको समझ में आया कैसे प्रूफ करना है बिल्कुल एक जैसे थे मजेदार था और यहाँ पर ये एक्सरसाइज हो गया पूरा और अब यहाँ पर आगे जो एक्सरसाइज लास्ट है वो है किसी एक ट्राइंगल को लेके नौ क्वेश्चन है वो भी प्रूफ वाले है एक से एक है भाई लोग परेशान हो जाते हैं करा नहीं पाते भाई अपन कराएंगे और दिवाली के हॉलीडे में हॉलीडे में और भी करवाएंगे तू टेंशन लेना नहीं रे बाबा अपन सब करेंगे हलवा yes, like <laughs> चिंदी यस 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 मी तो तुम्हारा फोटो लोलिया समझ ओ हो हाँ तुम्हारा रूम मधु त्या बाई तो फोटो काढ़ा त हिरोइन च समोर लवल तीन बगता तुम्हें

डालेंगे ना सब किया है, छोड़ेंगे नहीं बहुत करें, अपना सब हो जाएगा yes? Thank you everyone for connecting. अपने दोस्तों को कौन मंत ये फॉर्मुले yes, तो okay? का मना के रोज सब उठ के दर्शन करो यस चलो बाय 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 टेक केयर मुलाय बाय भेटू पर यार थैंक यू लर्न इंग्लिश ग्रामर मैंने कोशिश की आपको बहुत ईजी से बताने बट आपको तभी आएगा जब आप फॉर्मूले याद करेंगे तो यहाँ फैक्ट्राइजेशन और डी फैक्ट्राइशन फॉर्मूले लास्ट के लेक्चर में मैंने बताया थे आज भी बताए जरूर आप अच्छे से करिए बहुत मज़ा आएगा आपको खुद को ऐसा लगेगा यार मैं क्या सीख रहा हूँ एकदम ईजी है यार कुछ नहीं है चला एक लवे का लेक्चर नहीं है बेटा एक लवे को मैंने हॉलीडे दिया है एक हफ्ते का दिवाली वैकेशन चालू होगा नवम्बर में तब लेने वाला ठीक है एक लवे का लेक्चर अभी कुछ दिन तक नहीं चलेगा एक लवे का लेक्चर अभी कुछ दिन नहीं चलेगा सबकी एग्जाम से ट्वेल्थ वाले बच्चों की तो बच्चे लेक्चर्स में नहीं आ रहे इसलिए कुछ दिन का गैप लिया है फॉर्मुले को पानी में घोल कर पी लूंगा यस यस दैट इज द वेरी गुड चला चला तुम तुम्हें झोंपा मज़ा पर लेक्चर है नौ वाजता बाय बाय आप हॉलीडे कब से कब तक दोगे अरे भाई हॉलीडे दिवाली के दो तीन दिन रहेगा रे हॉलीडे चलो बाय बच्चो बाय 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 टेक केयर मुला नो या चला बाय